अतिथि शिक्षक संघ ने ली बैठक, मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। बैतूल अतिथि शिक्षक संघ ने 22 दिसंबर को शहीद भवन बैतूल में बैठक ली, तत्पश्चात मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अतिथि शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष केसी पवार ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि अतिथि शिक्षक संघ अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन करते आ रहा है। इसके अलावा वर्तमान में कोरोना महामारी की वजह से विद्यालय बंद होने तथा विद्यालय में सेवा नहीं दे पाने की वजह से अतिथि शिक्षकों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। प्रदेश सरकार ने इस सत्र में पुनः शासकीय विद्यालयों में अध्यापन के लिए अतिथि शिक्षकों की भर्ती निकाली, परंतु कई विसंगति आई। अतिथि शिक्षक संघ की मुख्य मांग नियमितीकरण के अलावा तत्कालिक मांग ट्राइबल विभाग में अतिथि शिक्षकों की भर्ती शीघ्र की जाए, एजुकेशन पोर्टल पर पूर्ण रिक्त पदों को दर्शाया जाए, प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में अतिथि शिक्षकों की भर्ती कर मोहल्ला क्लास में अतिथि शिक्षकों की सेवाएं ली जाए। देखिए आज की आवाज़ न्यूज़ के साथ बैतूल से नवील वर्मा की खास रिपोर्ट।